आप देख रहे हैं इंडिया नाउ 24। आपको बता दें कि एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है कि जनपद रायबरेली के गुरबगंज थाना क्षेत्र के सताव ग्राम का, जहां पर पीड़ित शिवाकांत द्वारा थाने में तहरीर देकर के अवगत कराया गया है कि जिस गाटा संख्या 1771 पे उसका ट्यूबवेल व उसके नाम बिजली का कनेक्शन आदि, उसका गाटा उस खत में कब्जेदार है, परंतु उस जिसके नाम ट्यूबवेल, प्रार्थी के नाम ट्यूबवेल समरसेबुल बिजली का बिल बराबर निरंतर वो जमा कर रहा है, बराबर आप देख सकते हैं इंडिया नाउ 24 के चैनल के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर ट्यूबवेल लगा हुआ है, खंभे गड़े हुए हैं, कनेक्शन लगा हुआ है, जिसकी रसीद संख्या क्या है वो आपको हम दर्शा सकते हैं कि जहां कि पीड़ित द्वारा बताया गया है कि उसके ट्यूबवेल में, निजी ट्यूबवेल पर विपक्षी बबली द्वारा जबरदस्ती ताला तोड़ करके कब्जा करके उसका ट्यूबवेल अपने कब्जे में कर लिया है, परंतु शिवाकांत पीड़ित द्वारा बताया गया कि थाना गुरबकसगंज में एक तहरीर देकर के अवगत कराया गया, परंतु पुलिस ने एक बार ताला खुलवा करके चली गई, लेकिन वो बबली नाम की उसकी भयो जो है वही परिवार का मामला, एक परिवार का ही ऐसा मामला प्रकाश में आया है कि जो बबली उसकी भयो है, भयो द्वारा एक्शन लिया जाता है, परंतु जबरदस्ती जिसके नाम कब्जा, जिस गाटा संख्या 1771 है, उस पर पीड़ित का ट्यूबवेल दिखाई दे रहा है, बराबर रसीद एवं बिजली का बिल जमा कर रहा है, लेकिन पीड़ित दर दर भटक रहा है, उसका न्याय नहीं मिला। आपको इंडिया नाउ 24 के चैनल के माध्यम से हम तस्वीरें दिखा सकता हूं, जहां पर सताव ग्राम का मामला है, गुरुबगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत। आइए हम जानते हैं पीड़ित क्या कह रहा है। इसी के साथ इंडिया नाउ 24 लेटेस्ट खबरों के साथ बने रहिए। यशके कुशवाहा संवाददाता रायबरेली। क्या नाम है आपका? शिवाकांत। किस गाँव के रहने वाले हैं? बताओ क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि हमारे यहाँ ट्यूबवेल है और सब बिलों का हम बराबर देते हैं, और हमारी भौजाई जबरदस्ती कर रही है और हमारे ट्यूबवेल में ताला लगाती है और गाली गुप्ता देती है, हमारा ट्यूबवेल जबरदस्ती करती है और हमारी पापंती को अगवाना बहुत चाहती है, और उसके भाई आते हैं तो मानने को हमको धमकी देते हैं, कहते हैं कि तुम भला छुई के देखो ट्यूबवेल, तुमको हम जान के मार देंगे। ये ट्यूबवेल का कनेक्शन किसके नाम है? कनेक्शन हमारे नाम है, फोटो कापी सब हमारे नाम है, हम बिल जमा करते हैं, ट्यूबवेल की देखभाल करते हैं। तो उस जिस खेत में ट्यूबवेल लगा हुआ है, उस खेत में आप फसल भी बो रखे हैं? वो नहीं, फसल नहीं है, फसल बोते मगर झगड़ा की वजह से फसल हमारी नहीं हो पाई, खेत ऐसे पड़े पड़े। बिजली ट्यूबवेल आपका है? हाँ, और वो धान लगाए हुए है। किस खेत में? अपने खेतों में वो धान लगाए, जो बंटवारा में उसका है हिस्सेदार, अपने हिस्से में। हाँ, अपने हिस्से में। जिस खेत में ट्यूबवेल है उसमें धान नहीं है। हाँ, विवाद चल रहा है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं उच्च अधिकारियों को दिया है? SPDM के पास गए हैं, वहाँ से पेपर आते हैं थाने, तो थाने में लिख पढ़ के भेज देते हैं। तो तुम्हारा थाना कौन पड़ता है? गुरबगंज थाना। अब गुरबगंज थाने में आप गए? हाँ गए हैं, मगर वहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। सुनवाई नहीं हुई। एक ट्यूबवेल में ताला किसका लगा था? ट्यूबवेल में ताला पहले ये लगाया था कि इनसे चाबी मांगी गई है, चाबी नहीं दिया है, तो एक थी थाने गए, थाने दे दी गई, तो बताया तो फिर एक पुलिस वाला आया था तो कह रहा था कि जाके ताला काट दो, अपना ताला लगा दो। गुरबगसगंज पुलिस गई थी? हाँ। मतलब उस ट्यूबवेल में ताला आप लगवा दिया था? हाँ, ताला लगवा दिया, उसके बाद फिर सांप आठ हो गया, उसके बाद फिर हमारा ताला टूट जा रहा, और अपना ताला टूट के ऐसे कुंडी ईंटों से पिछड़ा है, अब ऐसा ट्यूबवेल पड़ा है उसमें ताला वाला नहीं लगा। पुलिस ने ताला आपका लगवाने के बावजूद भी विपक्षियों ने तोड़ा? हाँ, ताला। उसके बाद जो पुलिस अब चली गई है, उसके बाद शाम को जो है बबली और उसका भाई ताला तोड़ा और तब सोच कर भाग गया, और हम सुबह टट्टी गए तो देखा तो उसमें ताला जो है नहीं था।
इस संबंध में आपने अधिकारियों को सूचना दिया है लिखित? हम थाने नहीं गए, जब दो तीन बार गए तो कोई सुनवाई नहीं हुई, तो हम कहा पढ़ रहे हैं जो कुछ होगा तो फिर आगे आप कार्रवाई करो। दीदी से बताया है तो दीदी ने कहा चलो सर ठीक है, हम इसी के लिए हम दौड़ धूप के हम काम कराएंगे। आपको क्या चाहिए, न्याय? हाँ, हमको न्याय चाहिए कि ये हमारा इनका कोई लेना देना ना रहे। खेती घर सब बढ़ गया है और ये जबरदस्ती करते हैं, हमको घर से खेलना चाहती हैं, हम देखो अपने हाथ से खाना पीना बनाते हैं और दीदी आज यहाँ कल चले। तो आपके खेत में जो ट्यूबवेल लगा है बिजली का लगा है कि इंजन? नहीं, बिजली का है। बिजली का कनेक्शन किसके नाम है? वो हमारे नाम है, बिल हम देते हैं, बढ़ता बिगड़ता तो हम ही खड़े होते हैं। ये खाली सींच लेती है और बाहर हो जाती है, गला पानी काट कर सींच लेती। सिंचाई का कभी पैसा देती है? नहीं, पैसा से कुछ नहीं देती।